ये देखिए, ये है एकमा स्टेशन। ये छपरा ज़िले में स्थित है, बिहार के छपरा सारण ज़िले में स्थित है ये स्टेशन। ये सिवान और छपरा के बीच एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। आधी दूरी पे है ऑलमोस्ट ये दोनों जगहों से। और यहाँ पे प्रमुख गाड़ियों में मौज एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, औध असम एक्सप्रेस, लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, उसके बाद है औध असम एक्सप्रेस है। तो इन सब ट्रेनों के ठहराव यहाँ पे हैं। आप जब कुछ पैसेंजर ट्रेनों का भी ठहराव है आजकल यहाँ के आसपास के एरिया में, रसूलपुर, दरौंदा, दाऊदपुर के लोग इस का उपयोग करते हैं। यहाँ के एरिया में बहुत सारे लोग यहाँ से स्टेशन के गाड़ी का यहाँ के गाड़ी पकड़ते हैं। ये इसकी एक प्रमुख बाज़ार भी है, इसलिए यहाँ पे यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तीन प्लेटफॉर्म हैं, एक्चुअली एक बीच में है, अप्रोचेबल नहीं है, बट प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से गाड़ियाँ आती जाती हैं। इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ये देखिए लंबा सा प्लेटफॉर्म है इसका, और आप इसके दोनों साइड ही निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए इसके भवन का निर्माण कार्य चल रहा है अभी फ़िलहाल। पुराना भवन गहराई में चला गया था, तो इसका निर्माण कार्य चल रहा है। आप जब चाहें इस ट्रेन का उपयोग यहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं। ये देखिए बीच में मालगाड़ी लगी हुई है और लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। तो जिनको भी ये सिवान छपरा मुख्य पथ है, इसके उत्तर दिशा में थोड़ी ही दूर पे हैं, तो आप जब चाहें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झंडोत्तोलन होता है। ये यहाँ की टिकट खिड़की है, ये देखिए आरक्षण काउंटर भी है, टिकट खिड़की है, आरक्षण काउंटर है। मैं आपको पास ले चल के दिखाता हूँ, टिकट खिड़की, आरक्षण काउंटर, ठीक है, ये है। और ये देखिए आरक्षण, लोग आरक्षण के लिए खड़े हैं, टिकट खिड़की है। ये बाहरी निकाश है बाज़ार की तरफ, ये देखिए चल रहा है। हाँ ये चल रहा है, लंबा सा प्लेटफॉर्म है एक मास। देखिए मैं आपको इसका बोर्ड दिखाता हूँ, ये देखिए स्टेशन मास्टर का कक्ष है, जनरेटर की भी व्यवस्था है, ठीक है। मैं आपको आगे तक ले चलता हूँ, दिखाता हूँ इसके बारे में पूरा पूरी जानकारी। तो आप जब एक माह आएंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सुधा के स्टॉल से आप राबड़ी, पेड़ा या जो कुछ भी है आप ले सकते हैं, ठीक है। आप राबड़ी ले लीजिए, पेड़ा ले लीजिए, पानी ले लीजिए। तो ये वो है, यहाँ पर सुविधाएँ हैं, सामान्य सुविधाएं हैं। वन प्रोडक्ट के लिए भी ये सूचीबद्ध है, बट अभी ये दुकान खुली नहीं है। तो आप जब भी चाहें, जैसे भी चाहें, मैं आपको पूरा प्लेटफॉर्म का टूर देता हूँ। ये लीजिए, तो आप हैं अभी एकमा में। एकमा एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है, ये छपरा गोरखपुर खंड पे। यहाँ पर आप आएँ, और यहाँ पर सुबह पैसेंजर जाती है, एक मऊ के लिए जाती है छपरा से, और एक नौतनवा के लिए जाती है जो गोरखपुर से पास है। तो ये आपसी में भी इन दोनों गाड़ियाँ हैं, अपडाउन करती हैं। तो पैसेंजर सुविधाओं के क्रम में ये स्टेशन इस तरह का है। देखिए शौचालय की व्यवस्था है, बट शौचालय उतना साफ सुथरा है नहीं, तो लोग उपयोग कम ही करते हैं। देखिए आगे भी जाके एक आध यात्री सेट बना हुआ है, तो अभी देखिए यात्री शेड है यहाँ का, ये यात्री शेड है। यहाँ पे जाएं, आगे जाएं, तो जो ये है आपका पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उसमें, एक्सप्रेस ट्रेन में आपका ये आगे की तरफ लगेगा, जनरल डब्बा, और बीच में आपका एसी होता है सामान्यतः, और स्लीपर कोचेज होते हैं। चूँकि ये ग्रामीण स्टेशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि साफ़ सफाई नहीं है और काफ़ी एक्सेसिबल है। आप प्लेटफॉर्म पर बकरी की कल्पना कमी कर सकते हैं, लेकिन देखो प्लेटफॉर्म पे बकरी घूम रही है। आप देख लें, इसको देख लें, प्लेटफॉर्म पे बकरी घूम रही है, आप देखिए। लेकिन हाँ, फिर भी है कि लोगों के लिए
एक्सेसिबल है और काफ़ी आना जाना सुगम हो जाता है इस सिस्टम की वजह से। तो ये मैं इसका लास्ट छोर आपको दिखाता हूँ, शुरू से शुरू किया था जहाँ पे एक माँ का बोर्ड था, मैं आपको लास्ट छोर पे ले चलता हूँ, वहाँ भी एक माँ का जो वहाँ पे बोर्ड है वो दिखा के मैं आपके टूर को एंड करूँगा। ठीक है, ये देखिए हैंडपम्प है, हाँ शायद चालू हालत में नहीं है अभी। ये देखिए प्लेटफॉर्म पे बकरी घूम रही है, शायद इसको भी कहीं जाना है। कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है, देखिए ये बता नहीं रही कहाँ जाना है। अब देखिए ये लास्ट छोर है, मैं आपको लास्ट छोर ले जाऊँगा और वहाँ पे ही टूर का एंड करूँगा। तो आप देख सकते हैं स्टेशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेशन ऑन छपरा गोरखपुर रेलखंड एट सीवान। हाँ तो ये देखिए, ये देखिए मैं आ गया। मैं आपको कहा था कि जैसे एक माह के लास्ट छोर पर मैं टूर को एंड करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक मालगाड़ी लगी हुई है, शायद कुछ सामान वामान है, उतरना है, उतर रहा था, लोग उतार रहे थे। ये देखिए जहाँ पे एक माह स्टेशन हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे अपने टूर का एंड करते हैं।